सारे लोगों की हालत खराब हुई जा रही है चढ़ाई करने में। हालत मेरी बहुत खराब हो गई सब लोगों की। बिल्कुल भाई सीधी चढ़ाई है ऊपर के लिए। हेलो जी, वेलकम है आपका एक न्यू ब्लॉग में। और आज अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम ये देखो टाइम हो रहा है 12 बज गया है अभी। और इतनी रात में अभी हम निकल रहे हैं स्टेशन की तरफ। कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको पता लग ही जाएगा। फिलहाल अभी हम घर से निकल रहे हैं और देखो काफ़ी रात हो चुकी है, 1 बजे की ट्रेन है तो जल्दी से फटाफट से निकलते हैं नहीं तो ट्रेन लेट हो जाएगी। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और देखो चारों तरफ इधर सन्नाटा बीत रहा है। ये 12 बज चुका है, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। क्यों तो फिर अभी किस चीज़ का इंतज़ार है? हमारी कैब आ रही है। हाँ अभी हमारी कैब आ रही है। चल चल अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ। तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और बिल्कुल भी जगह नहीं है और सब ऐसे ही बिखरे पड़े। और बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह मिली तो मैं उसमें ही बैठ गया, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े चेंज किए और यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बरेली स्टेशन पर, बरेली जंक्शन पर, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा सुकून मिला, वरना वहाँ तो दबे कुछ हालत ही खराब हो गई बिल्कुल। अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना। और अभी तो ट्रेन आने में भी काफी टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। तो अभी सबसे पहले ट्रेन का ही वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी एक वीडियो का थोड़ा सा एडिट भी बचा हुआ है तो वो भी निपटा लेते हैं। यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठे बैठे खाली बैठे हैं तो यही काम निपटा है। और ये देखो इधर चल रही है आराम, खुद को तैयार जरा, गेट रेडी टू फाइट। तो अभी यहाँ पर बैठे बैठे एक काम तो पूरा हो गया, यहाँ पर एडिट वीडियो कर ली है तो यहाँ पर वेटिंग करने का कुछ तो फायदा हुआ। और 4 बज चुका है लमसम सुबह के, ट्रेन भी आने ही वाली है तो ट्रेन आ जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। अभी ट्रेन में ट्रैवल काफ़ी देर से कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं और सबकी आंखों में नींद भरी हुई है, एकदम सब थके हुए हैं। ये देखो इधर नावे तो सोने लगा है, सब थके हुए हैं, सबके चेहरे उतर चुके हैं। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं स्टेशन पर और ट्रेन अभी रुकने ही वाली है। ये देखो अभी सब लोग खड़े हैं रेडी यहाँ पर। तो अभी हम लोग खड़े हैं काठगोदाम के स्टेशन पर, अभी एक मस्त व्यू दिखाते हैं यहाँ। ये देखो भाई क्या मस्त व्यू है, खतरनाक यार, गजब। अभी जैसे क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि सन अभी उधर है, नहीं तो बहुत तगड़ा व्यू दिख रहा है। और हम लोग बिल्कुल घर से आधी रात को चले थे, लेकिन अभी टाइम देखो, ये देखो 8 बज चुका है सुबह का, काफी टाइम हो चुका है। अभी यहाँ पर काठगोदाम से हमें नैनीताल जाने के लिए करनी पड़ेगी टैक्सी, तो उसकी टैक्सी की ये देखो ये लोग बात कर रहे हैं, टैक्सी लेकर हम सीधा पहुँचते हैं नैनीताल। ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, बहुत तगड़ी वाइब आ रही है यहाँ पर, चारों तरफ बिल्कुल सांप की तरह रोड है और ऊपर के लिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्त वाइब आ रही है। क्यों महफूज भाई? हाँ भाई जान, क्या चल रहे हैं? मस्त एकदम, बहुत तगड़ी वाइब आ रही है। हाँ आगे बैठ के कैसा सीन लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मजा। हाँ अरे भैया भाई तुम गर्मी है, कपड़े उतर गए तुम्हारे तो। हाँ क्या हाल भैया है भाई? पर यहाँ पर अभी बाद में आएंगे आराम से, अभी जा रहे हैं पहले रूम देखेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते। सारे लोगों की हालत खराब हुई जा रही है ऊपर चढ़ाई करने में। हालत मेरी बहुत खराब हो गई सब लोगों की। बिल्कुल भाई सीधी चढ़ाई है ऊपर के लिए। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम पर और आते आते अभी हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं। रुकिए पहले आपको रूम दिखा देते हैं। ये देखो इधर लगा है मिरर और इधर कवर्ड है, इधर एलईडी लगी है, इधर तो वॉशरूम है। चलो बाहर का व्यू दिखाते हैं, एक नंबर है। कभी ये देखो भाई बाहर का व्यू,
बालकनी में का व्यू देखो कितना तगड़ा व्यू आ रहा है ना, कतई गजब। चलो अभी फिलहाल वो तो है, अभी 2-3 दिन तक हमारे पास है। बाकी ये देखो सब लोग थक चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं सारे लोग। अभी सब पहले थकान दूर करेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे काम होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, और आगे ब्लॉग आपको चाहिए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे ब्लॉग अभी हम लोग यहाँ पर घूमेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे सारे ब्लॉग बनेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ठीक।